हाय, मेरा नाम अभिलाष है, मैं रांची से हूँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत स्पेशल दिन है, बिकॉज आज मैं अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ जो बहुत पहले से था मेरे दिमाग में। अब आप पूछोगे सपना क्या है, चलो डायरेक्ट आपको वहीं लेके चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपको जो सपना का बात कर रहा था, ये है वो सपना। ये देखो, ओला S1 एयर आ गया है, मेरा ओला S1 एयर, और आज इसका डिलीवरी लिया। आपको थोड़ा वॉक अराउंड देते हैं। ओला S1 एयर मेरे को पड़ा ऑन रोड 1,26,000, काफी सही। एक ही मेरे को कलर पसंद आया इसमें, जो कि था ब्लू, और काफी सही है। ये है आपका चार्जिंग पोर्ट, बाकी आपका ये ऑन करने के लिए पासवर्ड आपको नहीं बताएंगे। ये हो गया हमारा ओला रेडी टू गो, पार्किंग मोड में अभी चलाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका ड्राइव एक्सपीरियंस। एक और आपका इसका फीचर दिखाते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक हो जाता है। ये अनलॉक किया, ये अनलॉक हो गया, और अभी चलते हैं इसका सबसे पहले पूजा कराने के लिए, बिकॉज नई नवेली दुल्हन है हमारी, उसका पूजा कराना बनता है। सभी हो गए रेडी, जाते हैं पूजा कराने के लिए। अभी नए ओला को लेके आ गए पहाड़ी मंदिर, और यहाँ पे पूजा कराने के लिए आए, तो सबसे पहले तो पूजा करना जरूरी है। पंडित जी भी करेंगे पूजा, बाकी यहाँ पे एक ये चलान कटाना पड़ता है। नाम गलत कर दिया मेरा, अभी राज कर दिया विलास की जगह, पर ठीक है। 151 का यहाँ पे चलान कट मतलब टोकन कटाना पड़ता है पूजा के लिए, उसके बाद पंडित जी पूजा करेंगे। Guys, finally I'm riding Ola S1 and performance तगड़ा तगड़ा। क्या पिकअप है, मानना पड़ेगा बॉस, मस्त पिकअप है। वो पेट्रोल गाड़ी से स्विच करना ओला सही था या गलत था? सही था यार, बिल्कुल सही था, बिकॉज पेट्रोल का दाम इतना था और पेट्रोल इतना कम माइलेज देता था। इसमें एक बिंदास अपना घूमो। एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, कि ब्रेक जो है ना, ब्रेक जैसे ही लेते हैं ना तो पावर कट हो जाता है, और दोबारा जब स्टार्ट करते थोड़ा सा इशू होता है ब्रेक, मेरे को वापस मैनुअली वापस ठेलना पड़ता है। तो वो चीज़ इशू हो रहा है पहले दिन ही। वो एक बार हम सर्विस सेंटर या सर मतलब शोरूम में जाके एक बार दिखना होगा, मेरे को दिखाना होगा क्या इशू है। बाकी चलने वाले में तो मस्त है यार, एकदम ओला S1 एयर। बाकी फीचर्स से तो फुल्ली लोडेड है, सिक्योरिटी फुल्ली लोडेड है, कोई टेंशन नहीं है, कीलेस एंट्री कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल ऐप से सब कुछ हो सकता है, प्लस बटन से भी है मैनुअली, तो कोई इशू नहीं है। बाकी थोड़ा सा बस एक ही चीज़ मेरे को दिक्कत लग रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये गाड़ी मेरे लिए पास है, मस्त है, और एनर्जी कंजम्पशन के लिए तो बहुत सही है। ओला तो ऐसे ही फेमस है, ब्रांड कोई दिक्कत नहीं है, और सर्विस कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी बहुत जल्दी मेरे को मिला था, बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है। बाकी अभी जो है घर पहुँचते हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा और दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए अपना नया स्कूटी लेके ओला, और यहाँ पे वंशु आ गया बैठने के लिए, हनी आ गई है, मतलब हेमंत भी आ गया बैठने के लिए, बैठिए। क्या वो नहीं है अनवी, आओ चढ़ा देते हैं, चढ़ो ऐसे पैर रखो, हाँ ऐसे ही पैर रखो, चढ़ो तुम भी चढ़ो इसमें। सो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, और चार्जर मिला है ओला के साथ, देखो ओला जब ओला है, इसको कनेक्ट कर दिया कि नॉर्मल सॉकेट से, जो नॉर्मल सॉकेट घर में होता है, हाँ ये जो नॉर्मल सॉकेट होता है घर में, इसी से ही चार्ज हो जाएगा आपका। अरवी का फ़ोन आया, हेलो, और अरवी को पता नहीं था कि ये बैटरी वाला गाड़ी है, अभी अरवी शॉक हो गई कि ये बैटरी वाला गाड़ी है। बाकी इसको भी चार्ज में लगाते हैं, इसको इधर से ऐसे खोलते हैं, चढ़ांग इसको ऐसे फिट करना है, ऐसे लगाना है ना, वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तब। चार्जिंग हो रहा है, ये देखो इसको ऐसे कर देते हैं,